और अभी फाइनली हम सरप्राइज आपको बताने जा रहे हैं कि क्या है, बहुत टाइम के बाद, मतलब इस चीज में बहुत टाइम लग गया। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इतना मेरा थकान भरा दिन रहता है, क्योंकि भाई जिस चीज पे मैं आपको बता रहा था जो कि सरप्राइज एक आने वाला है, उस चीज पे भाई वर्क चल रहा था, वो काम थोड़ा सा होता और उसके बाद मैं एकदम से थक जाता है, या पता नहीं ऐसे दिन चल रहे हैं कि भाई मेरे को नींद ही बहुत आने लगी आजकल। परसों गुड़गांव से आए थे, फिर कल मैंने नहाया ही नहीं, सोने में बीत गया मेरा दिन, और अभी शाम के 5:30 बजे हुए हैं। अब जाकर मैं नहाया हूँ, नींद वींद पूरी करके अब भाई रेगुलर व्लॉग आएंगे, बिल्कुल पक्का आपसे वादा है। जैसे पहले आ रहे थे ना, वैसे रेगुलर सिस्टम कर देंगे। और गाइस इसी बीच ना घर में बहुत सारे चेंजेस हुए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो भाई सबसे पहले जो चेंज हुआ है वो है हमारी मम्मी के बाल। वाव, नरवाने से मम्मी ने क्या करवाई है? क्या करवाया था साहब जी आपने? तुमने करवाया था, मैंने घर वालों को पता ही नहीं कि भाई करवाया क्या है, बस कर दो भाई जो होना है, ठीक है। कैसे पापा जी, मुझे थोड़ा डांट वाट तो दो। बेटा अपना काम पे ध्यान दे, बस लव इज स्पीचलेस। और जो मेन चीज भाई घर में चेंज हुई है वो आ गई है अपनी LED। भाई नरवाना में लगी हुई थी ऊपर रूम में, तो यार वहाँ पे ऐसी लगी हुई थी तो यहाँ पर ले आए, और पापा जी ने आते लगा दी, फिर आकर इसका सेटअप करवाया। अच्छा ये कह रहा है कि मेरे को लो, मेरे को अच्छा ये अच्छा, आप आ गए, लो आप आ गए ब्लॉग में, लो लो कैसे हो, कैसे हो, चलो सिट सिट करके दिखाओ, सिट सिट सिट, हे 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 हे, सिट 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 सिट, मॉन नीरा सिट, गुड बाय। ओए गुड बाय से मानता है, शेकेंड शेकेंड, गुड बाय, ठीक हो ना? ठीक हो? अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक हो ना? अच्छा बॉस। और भाई अपना हिमांशु भाई भी नहाया तो है ही नहीं, पर काम पे लगा हुआ है आप लोगों के लिए। इतनी बढ़िया प्रैंक वीडियो एडिट करी, वरना भाई ये भी व्लॉग बना लेता, ये बस प्रैंक वीडियो एडिट कर रहा था, इसी चक्कर में मैंने फिर इसे भी नहीं कहा कि तू बना ले। बता दिया क्या? सरप्राइज बता रहे यार, जल्दी आ जा यार, हो गया आज एक बारी ना, ऐसे ठीक है यार, सही लगता ऐसे भी ठीक है यार, चलो फिर। पापा जी आज कैप्री पहनी हुई है टांगे पर आपकी पतली पतली से, पापा जी आपको वो मानने पड़ेंगे स्पाइट्स, है ना? रहने दे, टूट जाएगी बीच में। तो भाई फिलहाल पी रहे हैं चाय, और ये भाई अपनी शादी से आई थी बढ़िया सी भाजी, एक नंबर टेस्टी भाजी लगी ना, काफी टाइम बाद भाजी खाई। गाइस फिलहाल मैं अभी आपको बता देता हूँ कि सरप्राइज क्या है यार, इतना क्योंकि ना मेरे को लगता है इतना सस्पेंस में नहीं रखना चाहिए। मानसू तो कहता अभी रहने दे, जब हो जाए तो ही फिर बताएंगे एकदम से सरप्राइज। बता देते भाई, तो फिर भाई मैंने सोचा कि बता ही देते हैं भाई, थोड़ी एक्साइटमेंट आम में भी होनी चाहिए, और थोड़ा सा भाई आप लोग मुझे मोटिवेट करो कि राहुल भाई नई डेली व्लॉग आनी चाहिए, थोड़ा कमेंट में लिख दिया करो यार, मेरे को भी लगे भाई आप लोग फुल दिल से सपोर्ट कर रहे हो, तो यार कमेंट जरूर कर दिया करो। और अभी फाइनली हम सरप्राइज आपको बताने जा रहे हैं कि क्या है, बहुत टाइम के बाद, मतलब इस चीज में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि भाई मैंने सब कुछ खुद ही लिखा है, अब तो समझ ही गए होंगे लिखा है मतलब क्या लिखूंगा। तो भाई आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा सॉन्ग आ रहा है, गाना लिखा है जो कि मैंने लिखा है, उसमें सिस्टम हैंग कौन करेगा पर ये भी बता, उसमें सिस्टम हैंग करने वाले हैं हमारे पापा जी, वो तैयार होगा तो पापा जी भी तो करेंगे सिस्टम हैंग उसमें। सारी है भाई इस वीडियो में, ओ मम्मा नहीं है शायद, पापा जी हिमांशु और मैं, हम तीनों, ठीक है। तो भाई नेम अभी नहीं रिवील कर रहा, एक दो दिन में मतलब जब सब चीजें होने लग जाएगी, अभी ये लगा लो गाना कंप्लीट होने वाला है, बिल्कुल बस थोड़ा सा रह गया गाना कंप्लीट होते ही, आगे एक बार डम्मी के लिए भेजेंगे भाई कैसा बन रहा है कैसा नहीं, उसके बाद तैयार होने के बाद आपको मतलब तैयार होने से पहले नेम रिवील कर देंगे। तो भाई कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को ये सरप्राइज कैसा लगा, और जल्दी ही आने वाला है, लगा लो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर कार्रवाई पूरी रच देंगे। तैयार हो भाई सारे, हैं एक बार शोर तो मचा दो। फिलहाल मार्केट का थोड़ा सा काम है, तो अपने अभी ब्लैक ब्यूटी में चल रहे हैं, और दुकान के लिए भी थोड़ा खाने पीने का लेकर आना है, क्योंकि यार कई दिनों से ना रोटी दही खिचड़ी वगैरह खाकर वो भी बोर हो गया। गाइस तूफान का खाना तो नहीं मिल पाया भाई, अभी आया नहीं है जो चीज हमें चाहिए थी ग्रेवी, तो ये कह रहे 2-4 दिन बाद आएगा, तो फिर 2-4 दिन बाद घर पे ही मंगवा लेंगे। अपनी ब्लैक ब्यूटी में भाई भोलेनाथ जी आ गए हैं, आपको बताना मैं भूल ही गया, वैसे लास्ट व्लॉग में मैंने दिखा दिया था, जय भोलेनाथ। साथ में भाई यहाँ पे लगवा लिया मोबाइल होल्डर, ताकि भाई आगे के टाइम लैप शॉट्स हम ले सके अच्छे से, वरना फिर ऐसे हाथ में पकड़े रखो और गाड़ी चलाते रहो तो यार कुछ भी हो सकता है ना जाने अनजाने में, तो फिर ये तो बहुत जरूरी है। तभी आपको अपडेट दे देता हूँ भाई, गाना ऑलमोस्ट राइटिंग लिरिक्स रेडी हो चुके हैं, अभी आगे उसे भेजेंगे कॉम्पोजिशन के लिए, उसके बाद हमारे पास डमी तैयार होकर आएगी, वो भी अपने चेंज वेंज लाइन्स वाइन जो भी चेंज करनी होगी, जो हमें लगता होगा कि हाँ ये अच्छी नहीं लग रही, तो वो सब भाई हम चेंज कर देंगे जल्दी ही भाई, बैंग बैंग करना है सिस्टम, ठीक है। और भाई देखो क्या बात है, नहा ही लिया आज है, ऐसे कैसे? नजर मत लगा भाई। अच्छा अच्छा, काला टीका लगा लिया? लगा पहन रखा है। अरे पीछे
ये देखो ये हमारे जैसा आलसी हो गया है, जब तक मैं रूम से नहीं निकलूंगा ना ये भी उठ के ना उठेगा नहीं, जब तक मैं रूम से ना निकलूं ना, अगर मैं सो रहा हूँ तो सोया ही रहेगा। अभी उठते हैं 2 बजे 3 बजे। अभी अब क्या मतलब है तेरा, आज ही उठाऊं? कल भी उठा था, कल गुड़गांव से आए थे, थका हुआ था मैंने, वो तो ड्रामा है भाई। भाई देखो घर वालों को लग जाता कि ड्रामा कर रहा हूँ, तो फिर ड्रामा नहीं करे ना आप, रियलिटी में नींद आती है ना बहुत ज्यादा। देखो तुफी को भी तो आ रही है भाई बहुत ज्यादा नींद, सो जाओ आप सो जाओ, वेरी गुड। रात को भी सोना है ना, ठीक है, थक जाओगे फिर सो जाओ वरना। हमारा डिनर हो गया है रेडी और आज है भाई भिंडी, मेरी फेवरेट सब्जी, रायता एंड बढ़िया सी चपाती, थैंक्स मॉम। लो भाई तुम्हारा स्केटर मानसु भी सेक्सी तैयार हो चुका है, ठीक है गर्ल्स, हाय, ठीक हो ना सब? ठीक है जी गाइस, तो आप लोगों से थोड़ी बातें करनी थी। तो भाई पहली बात तो ये, व्लॉगिंग मतलब इतने ज्यादा लोग करने लगे हैं, मतलब हर कोई व्लॉगर बन गया है, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, और हम बैठे हैं अभी घर पे। देखो हम भी जाकर आए थे अभी कश्मीर, पर अभी हम बैठे हैं घर पे, तो फिर घर पे मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा कुछ हो नहीं पाता जो मैं आपको दिखाऊं। भाई हर दिन वही हमारा रूटीन है, वही खाना पीना सब कुछ, उससे भाई आप लोग भी फिर बोर हो जाओगे, इस वजह से भी थोड़ा मुझे ब्लॉग बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। रेगुलर चल रही है तो चल रही है, अगर बीच में एक दो दिन का गैप आगे जैसे अभी मैंने दिया था तो वहीं पर ना व्यूज डाउन आने लग जाते हैं। भाई यार ये चीज पता नहीं कैसे होगी कैसे नहीं, मुझे भी इसका कुछ नहीं पता। देखो ज्यादा बस ये पता है, हाँ रेगुलर अगर वर्क करते रहोगे तो बढ़िया रहेगा, अदरवाइज भाई लोग साथ छोड़ देते हैं बीच में ही। तो भाई मैं इतना ही कहूंगा कि साथ मत छोड़ो, वीडियो शायद थोड़ा लेट आए जल्दी आए, जितने लोग हमें रेगुलर देख रहे हैं कम से कम वो तो देखते रहा करो, क्योंकि अभी आगे भाई बहुत कुछ आने वाला है। तो भाई मैं यही चाहता हूँ आप लोग उन चीजों को भी बहुत सारा प्यार दे जैसे अभी तक हमें देते आए हैं। बाकी भाई अप एंड डाउन तो जिंदगी में चलते रहते हैं, तो कोई दिक्कत वाली इतनी बात नहीं है। व्लॉगिंग अभी घर में ना करने वाला मैं ही हूँ, हिमांशु कर लेता है थोड़ी बहुत कर लेता है, पर जो मतलब मेन सब संभालता है भाई वो मैं ही हूँ, एडिटिंग वेडिटिंग सब चीजें व्लॉगिंग की। और उसके बाद भाई अभी गाने पे भी काम कर रहे हैं, तो दो तीन चीजें जब मिक्स हो जाती है ना भाई तो फिर काम बन से नहीं पाते, तो इसी वजह से व्लॉगिंग में बीच में गैप आ रहा है। भाई हो भाई आप सभी इस चीज को समझोगे और साथ बनाए रखोगे। बस गाइज इतना ही कहना था, बाकी इस वाले व्लॉग को अभी यहीं पर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही आपको एक गुड न्यूज देंगे, गाने से रिलेटेड ही जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे बताते रहेंगे, ठीक है। तो भाई व्लॉग जरूर देखा करो, और कुछ नहीं तो भाई बस देख देख लिया करो, अगर लाइक भी ना करो कमेंट भी ना करो तो भी चलेगा, बस देख लिया करो उतना हमारे लिए काफी है, क्योंकि आप लोग ही यहाँ तक लेकर आए हो और आप लोगों को ही आगे लेकर जाना है भाई, ये आपकी जिम्मेवारी। देखो मुझे नहीं पता, देखो मैं काम करता रहूंगा, गिर के पड़ के संभल के बस करता रहूंगा, रुकना नहीं है। तो फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, यहाँ तक देखे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल पर पहले हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहे वैसे सस्त रहे, जय बोलना, ओके गाइस बाय, लव यू।